चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चलिए 20.9 रुपीज की, और बुक वैल्यू है 5.56 रुपीज की। पेट्रोल की स्कोर मात्र 2 का है। 1981 की कंपनी है ये कंपनी जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब अगर अपन यहाँ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो इनका बहुत बड़ा निगेटिव यहाँ हमको दिख रहा है मार्च 2024 में, वो है 51.11 करोड़ का। उसके पहले 44 लाख का यहाँ पे पॉजिटिव है जून 2024 में, लेकिन मार्च 2024 में अच्छा खासा बड़ा निगेटिव हुआ है इनको। अभी तक का इनका सबसे बड़ा निगेटिव है ये। उसके पहले 1.55 करोड़ का पॉजिटिव था, फिर उसके बाद निगेटिव, तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं इनके फाइनेंसेस। अब अगर आप इधर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे 62 करोड़ का सबसे बड़ा निगेटिव 2024 में। उसके पहले 12 करोड़ का निगेटिव, फिर 22 करोड़ का निगेटिव, फिर 20 करोड़ का निगेटिव 22 में, फिर 21 में 2 करोड़ का पॉजिटिव। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं इनके फाइनेंसेस। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो -5 करोड़ का सबसे ज्यादा निगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 8 करोड़ का। ओवरऑल नेट कैश फ्लो जो है 1 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 53.37% की प्रमोटर होल्डिंग है, FIS की कोई होल्डिंग नहीं है, DIS की कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है 46.63% की। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, इनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे हमको मिला है, एक बार फिर सिंपली कॉल डॉट एस टी पर ही मिला हमको। और ये जो है इस आर्टिकल में इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि MIRC का जो स्टॉक है वो स्टॉक प्राइस तो सर्च किया है। बाय द वे अपन इसकी डेट भी देख लेते हैं, ये है अप्रैल 30, 2024 का, तो रिसेंटली रिसेंट आर्टिकल है ये। और ये जो है बेसिकली किन्हीं ने बोला था कि आप हमेशा सिंपली वॉल डॉट एस टी का ही क्यों पढ़ते हैं, बाकी वो ऐसा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ये आर्टिकल सबसे ज्यादा लेटेस्ट आर्टिकल हमको जो मिलता है वो पढ़ते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बट ये जो है इसका लेटेस्ट आर्टिकल हमको इसी पर मिला जो हमारे काम का था, ओवरऑल जो एनालिसिस के बेसिस पर भी है। तो ये जो है बेसिकली स्टॉक प्राइस जो है सर्च किया है रिसेंटली, बट जो PS है वो मॉडेस्ट है। PS मतलब होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, स्टूडेंट भी द डिफाइनिंग, ये बोल रहे हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो ऐसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होता, जो आप लोग जानते ही हैं पहले से कि यहाँ स्टूडेंट्स को भी पता ही होगा, हमने पहले बताया हुआ है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होता है कि स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है, बट एक अच्छा बैरोमीटर होता है, एक अच्छा बोलना चाहिए स्केल होता है जो कि ये बताता है कि आगे चल के कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहेगा। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि हमारे एग्जामिनेशन मतलब इस पर्टिकुलर जो इनके एनालिस्ट हैं उनके एग्जामिनेशन के हिसाब से MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स कंफर्म दैट द कंपनीज रेवेन्यू ट्रेंड ओवर पास्ट लास्ट 3 ईयर्स आर की फैक्टर्स इन इट्स लो प्राइस टू सेल्स रेशियो। जो कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड है वो की फैक्टर है इसके लो प्राइस टू सेल्स रेशियो के, एज वी सस्पेक्टेड गिवन दे फॉल शॉर्ट ऑफ करेंट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। जो इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से उससे ये फॉल शॉर्ट होगा, उससे कम परफॉर्म कर रहे हैं। राइट नाउ शेयर होल्डर्स आर एक्सेप्टिंग लो PS, दे कंसीड फ्यूचर फ्यूचर रेवेन्यू प्रोबेबली वॉन्ट प्रोवाइड एनी प्लेजेंट सरप्राइज। बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये जो PS रहे है बेसिकली इनका जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है, आगे इनकी जो रेवेन्यू है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा कुछ प्रेजेंट सरप्राइज नहीं देने वाली, मतलब कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे चल के नहीं होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि अपन ने भी यहाँ पर देखा कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं इनके इनके फाइनेंसिस, तो अभी अपन ने देखा ही हो। तो अनलेस देयर इज अ मीडियम टर्म कंडीशन इंप्रूव दे विल कंटिन्यू टू फॉर्म अ बैरियर इन द प्राइस शेयर प्राइस अराउंड दीज लेवल्स। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि भाई इस लेवल पे इनके जो करंट प्राइसेस हैं वो ऐसे ही चलने वाले हैं, तो अपने को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। इतना ज्यादा केयरफुल रहना है कि हम जो अपना व्यू बना रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा वैसे तो अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा अपने लिए एक लेवल अपने को बता दिया है काफी डिस्टेंस का, हम जो है 31 रुपीज के बाद ही कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है इसका मतलब नहीं अपने क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखना, हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग जैसा हम हमेशा बताते हैं, प्लस अपने SL का भी ध्यान रखना है अपने को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलना है। 1% का अगर आप SL लेना है तो 1% का लीजिए, नहीं तो पिवट के हिसाब से SL लीजिए। इसमें बस इतना ही है। फिर अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में एनालिसिस करना है और देखना है और स्टॉक्स के डिटेल एनालिसिस, तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं, हम डेली एक नया एनालिसिस डालते हैं वहाँ पे। अगर आप लोगों को देखना है, आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो आप नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।